दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, उन्हीं लोगों के साथ में फ्रॉडबाजी होती है, यानी फ्रॉडस्टर जो है, जो हैकर्स हैं, उन्हीं का अकाउंट हैक करते हैं, यानी उन्हीं लोगों के साथ में धोखाधड़ी होता है। पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी इस चीज का शिकार हो जा रहे हैं, फ्रॉडस्टर का शिकार हो जा रहे हैं, हैकर्स के चंगुल में फंस जा रहे हैं। यानी हैकर्स जो है वो पढ़े लिखे लोगों का भी अकाउंट हैक कर रहे हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट हो या फिर सोशल मीडिया अकाउंट हो। खैर, आज का मुद्दा है व्हाट्सएप का, कि हैकर्स किस तरह से व्हाट्सएप को हैक कर रहे हैं। और ये जो व्हाट्सएप हैकिंग का तरीका है, ये बिल्कुल नया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप का जो QR कोड होता है उसको स्कैन कर लेते हैं और बोलते थे कि मैं हैकर हूं, मैंने व्हाट्सएप को हैक कर लिया। अरे यार, ये बच्चों वाली बात है। बट आज मैं जो तरीका बताने वाला हूं वो बिल्कुल नया है, कुछ अलग है। बट याद रहे दोस्तों, आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं उसका मिसयूज ना करें। अगर आप करेंगे तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। मैं तरीका इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अवेयर रह सके, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, वैसा ना कि आप खुद ही इसका मिसयूज करने लग जाएं। ये गलत बात है, इलीगल है, इसलिए ध्यान में रखें इस बात को। चलिए अब जानते हैं कि हैकर्स जो हैं वो व्हाट्सएप को कैसे हैक करते हैं। देखिए, इसका जो प्रोसेस है वो एकदम सिंपल सा है। इसके लिए हैकर्स क्या करते हैं कि आपको कॉल करते हैं। अब वो कॉल किसी भी पर्पज के लिए हो सकता है, ज्यादातर चांसेस हैं कि वो आपको ऑफर के लिए कॉल करेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई भी टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं, जैसे एयरटेल, जियो, VI, BSNL वगैरह, कोई भी कंपनी, तो ऑफर के नाम पे आपको कॉल आएगा और कहेगा कि भाई आपको इस ऑफर के लिए, अगर आपको ये ऑफर चाहिए तो आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल करें। अगर आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल करेंगे तभी एलिजिबल हो पाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पे मिस्ड कॉल करना है और कुछ नहीं। फिर आप सोचेंगे भाई मिस्ड कॉल ही तो करना है, कौन सा मुझसे OTP मांग रहा है जो मेरे साथ फ्रॉड होगा। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उस नंबर पे मिस्ड कॉल करते हैं। फिर कुछ नहीं होता है, आपको लगता है कि भाई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि भाई हमसे OTP थोड़ी ना मांगा है जो मेरा बैंक अकाउंट हैक होगा या फिर कोई सोशल मीडिया अकाउंट हैक होगा, बस एक मैंने मिस्ड कॉल किया है, इसे थोड़ी ना कुछ होगा। जी नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए, होता यह है कि जब आप मिस्ड कॉल करते हैं तो मिस्ड कॉल करने के बाद हैकर्स जो है वो अलग ही प्रोसेस करता है। आपने जो मिस्ड कॉल किया था वो एक सर्विस कोड था, यानी आपके जो कॉल्स आते हैं तो हैकर क्या करते हैं कि आपके जो कॉल्स वेटिंग में है उसको किसी और नंबर पे डाइवर्ट कर देते हैं। अब डाइवर्ट करने का फायदा उठाते हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं और आपका नंबर डालकर व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब होता यह है कि जब नंबर डालते हैं तो कोड आता है, तो कोड जो है वो मैसेज में जाता है। तो हैकर्स क्या करते हैं कि मैसेज में ना भेजकर वो कॉल पे क्लिक करके जो OTP बोलता है वो सुन के OTP डालकर वेरीफाई कर देते हैं, जिससे अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो व्हाट्सएप है वो पूरा एक्सेस हैकर के पास चला जाता है। तो इसलिए ध्यान में रहे, कोई भी बंदा कॉल करे और बोले कि ऑफर है, मैं ये कंपनी से बोल रहा हूँ या फिर ये वो, कुछ भी, आप उसकी बात ना सुने। अगर सुनेंगे तो फिर आपका कोई नहीं सुनेगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देखें उन वीडियोस को ताकि आप अवेयर रह सकें। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो कमेंट में मेंशन जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेदावी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और ऑल पे सेलेक्ट करना हरगिज ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।